गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। मशीनरी 4 लाख, ये एसेट्स में जाएगा। कैश एट बैंक एसेट्स, कैश इन हैंड एसेट्स, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर एसेट्स, बिल रिसीवेबल एसेट्स, रेंट पीएल अकाउंट डेबिट, कमीशन पीएल अकाउंट डेबिट, जनरल एक्सपेंस पीएल अकाउंट डेबिट, सैलरीज पीएल अकाउंट डेबिट, कैपिटल बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटीज, इंटरेस्ट रिसीव पीएल अकाउंट क्रेडिट। यहाँ एडजस्टमेंट में टोटल 6 एडजस्टमेंट है, मैं एक एक के बारे में बताते जा रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी 45,000, इसका आंसर होगा। ये पीएल अकाउंट के डेबिट में पहले से जो सैलरी दिया हुआ है उसमें प्लस हो जाएगा और ये 45,000 बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आ जाएगा। डिप्रिशिएट मशीनरी 10%, इसका एडजस्टमेंट होगा कि मशीनरी का अमाउंट जो दिया हुआ है 4 लाख, आप देख सकते हैं उसका 10% निकालेंगे 40,000। एक बार ये पीएल अकाउंट में जाएगा, दूसरे बार एसेट साइड में मशीनरी से माइनस हो जाएगा 40,000। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000, ये ट्रेडिंग का आइटम है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में पहले से जो वेजेस दिया हुआ है इस वेजेस में आप प्लस कर देंगे 5,000 और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000। रेंट प्रीपेड 10,000, ये पीएल अकाउंट का आइटम है, तो रेंट पहले से दिया हुआ है 45,000, उसमें प्रीपेड को माइनस करेंगे पीएल अकाउंट के डेबिट में और अगेन ये 10,000 आएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस करके 10,000। याद रखिएगा एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है उस अमाउंट को दो जगह लिखा जाता है, टोटल को कभी नहीं। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ये भी पीएल का आइटम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। कैपिटल है मेरा 9 लाख, 9 लाख का 5% 45,000 होता है, तो 45,000 मेरा पीएल अकाउंट डेबिट में आएगा और बैलेंस शीट में कैपिटल से प्लस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो मैंने यहाँ आपको पूरा क्वेश्चन और कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ जाता है इसके बारे में बताया। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, शुरू करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। टू ओपनिंग स्टॉक 6 लाख, टू वेजेस 1 लाख, उसमें प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 5,000, 1,05,000, टू परचेज क्रेडिट साइड में बाय सेल्स 16 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख, टोटल करते हैं 24 लाख दोनों साइड। 24 लाख से इस तीनों को जोड़ के माइनस करेंगे, मेरा आ जाएगा 8,95,000 ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे आएगा 8,95,000। अब टू सैलरी 50,000, पहले से सैलरी 50,000 था उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 45,95 हो जाएगा। टू डेप्रिशिएशन 44 लाख का 10% 40,000 यहाँ आ जाएगा। रेंट 45,000 था उसमें से प्रीपेड माइनस करेंगे 10,000, 35,000 बाहर आ जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, 9 लाख का 5%, टू कमीशन 25,000, टू जनरल एक्सपेंस 80,000, बाय इंटरेस्ट रिसीव 30,000। अब जब टोटल करते हैं तो इधर का टोटल हो रहा है 9,25,000, 9,25,000 से इन सभी को ऐड करके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ ऐड करके माइनस करते हैं टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। देन बैलेंस शीट शुरू करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटीज़ में जाएगा एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटीज़ में जाएगा एडजस्टमेंट है। कैपिटल पहले से 9 लाख था उसमें प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट का 45,000, 9,45,000, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट 6,05,000, मेरा आउटर कॉलम में आएगा 15,50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 4,50,000 आ गया। देन मशीनरी पहले से 4 लाख था, एडजस्टमेंट का 40,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 3,60,000। प्रीपेड रेंट हमारे लिए एसेट्स होता है, 10,000 यहाँ आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट्स में आएगा, 8 लाख एडजस्टमेंट है। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, सन्ड्री डेटर 4,40,000, बिल रिसीवेबल 2,90,000। अब इधर का टोटल करते हैं हम लोग तो ये आता है 20,50,000 और इधर का टोटल करते हैं 20,50,000। अगर मेरा बैलेंस शीट दोनों साइड टैली कर रहा है तो इट मीन्स मेरा सम सही है, और अगर वो कहीं से भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या पीएल में प्रॉब्लम है। उसको हमको एक बार जाके चेक करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कहीं कोई एडजस्टमेंट छूट तो नहीं गया।
आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर भी दिया, जैसे एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, तो हर एडजस्टमेंट का दो जगह एंट्री होता है, तो इसका नंबरिंग भी मैंने दोनों जगह किया हुआ है। इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।